अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। दिव्यांग योगेश ने मंत्री ममता भूपेश को सौंपा ज्ञापन। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पीलवा में रोड का शिलान्यास कार्यक्रम के लिए जाते समय दुब्बी में रुककर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनी और दिव्यांग योगेश कसाना ने विधायक निधि कोष से स्कूटी लेने की मांग रखकर ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग योगेश कसाना बीपीएल श्रेणी में आता है और परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है और मंत्री का ग्रामीणों ने माला व राजस्थानी लुगड़ी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच कृपा शंकर मीणा, सियाराम दुब्बी, दुलीचंद महावर, विजय शर्मा, अमर सिंह, कालाखो जयराम, रामदेव गुजर, निहाल सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। साथियों, जब कोई जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के दौरे पर होता है तो हम उनसे मिलकर के अपनी समस्याओं से अवगत करवा सकते हैं। समस्याओं से अवगत करवाने के बाद एक जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह उन समस्याओं पर संज्ञान ले और दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाए। दिव्यांग योगेश ने जब मंत्री को ज्ञापन सौंपा तो मंत्री ने पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कहा कि जरूर इनकी समस्या का समाधान होगा। अब देखते हैं कब तक दिव्यांग योगेश को विधायक कोष से स्कूटी स्वीकृत होती है या नहीं होती है, क्योंकि यह चुनावी